साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता साकेत बोगड़ा जी। बोगड़ा जी आपका स्वागत है न्यूट्रल टर्न में। धन्यवाद। एक साल सरकार को पूरा हो रहा है और उस अवसर पर आप उत्तरकाशी भी हैं, आपने बहुत सारी घोषणाएं की थी, बात की थी, वायदे किए थे, चुनावी वायदे जो शायद आज पूरे होते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, ये घोषणाएं नहीं है, बताना चाहूंगा कि इन पे जीओ हो गया है 23 में से 20 में और पैसा भी रिलीज हो गया है और 15 से 18 माह में योजनाओं को देखते हुए वो कार्य पूरा किया जाएगा। इनमें कॉन्ट्रैक्टर भी, जैसे जो हमारे 14 पुल टूटे थे उत्तरकाशी की, जिसकी सबसे बड़ी समस्या थी, उसमें जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी केंद्र सरकार की कंपनी है NBCC, उसको निर्माण कार्य भी दे दिया गया है। उनके लोग यहाँ पर आ भी गए हैं और मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र यहाँ की जो ये समस्याएँ हैं ये दूर होंगी। बहुत कार्य करने की ज़रूरत है क्योंकि ये आपदा पीड़ित क्षेत्र है और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, यशपाल आर्य जी का धन्यवाद देता हूँ कि उनके दोनों विभागों से आज यहाँ 222 करोड़ की जो है लागत से बनाई गई घोषणाएं नहीं की गई, उनका जीओ भी किया हो चुका है। कुछ सड़कों की स्थिति काफ़ी ख़राब है, आप सड़क मार्ग से आए होंगे। जी बिल्कुल, मैंने जैसे बोला भी था, यहाँ पे देखिए दो प्रकार की सड़कें हैं, एक PWD की सड़कें हैं और एक बॉर्डर रोड की सड़कें हैं। जो PWD की सड़कें हैं उन पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और मैं ये आपको आश्वस्त करता हूँ कि 31 मई से पहले पहले आप उनको कंप्लीट होता देखेंगे। जो बॉर्डर रोड की ऑर्गेनाइजेशन की सड़कें हैं उस पर हमने राहुल जी से भी स्पेशली निवेदन किया था जब उत्तरकाशी जिले की उनके साथ मीटिंग हुई थी और हम दिल्ली जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं क्योंकि बॉर्डर रोड का पैसा केंद्र सरकार से आना है, तो यदि वो पैसा आ जाए तो जो आपको पूरा पैच दिख रहा है वो अच्छा दिखेगा। कारण क्या, आपका जो संसदीय क्षेत्र शुरू होता है नरेंद्र नगर के बाद, वहाँ से लेकर उत्तरकाशी तक जो मेन मुख्य मार्ग है, शायद आप पर कृपा कम कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये नहीं है, 5 वर्ष हमारी सरकार नहीं थी जी। और यदि हम सोचें कि 1 वर्ष में सारी सड़कें बन जाएंगी तो ये भी संभव नहीं है क्योंकि धन की कमी होती है राज्य में। इनके पास 70 विधानसभा क्षेत्र हैं तो, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 साल के अंदर अंदर हम सारे ये जितने कार्य हैं इसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे मैंने मन से भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, विशेष रूप से पहाड़ क्षेत्र में। आपके इस दौरे के बीच एक दुर्घटना भी, मैक्स गिरी। बिल्कुल, मैं अभी वहीं जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी और हम वहीं जा रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य बात है। और मुख्यमंत्री जी ने राहत कोष से 50,000 रुपये की घोषणा करी थी, मैंने उनसे निवेदन किया है कि उसको बढ़ाकर 1 लाख किया जाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम वहाँ जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी वो घोषणा करेंगे। गंगोत्री के साथियों के लिए आपकी तरफ से क्या है इस बार? गंगोत्री के साथियों की तरफ से मेरा खेल एक ही संदेश है कि ये जो कार्य जिनका शिलान्यास हुआ है, यदि इस कार्य में कोई किसी प्रकार की ढिलाव होता है या देरी होती है या उनको लगता है कि कोई कमी है तो वो कृपया मुझे बताएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो घोषणाएं होती हैं वो अमल की जाएं, धरातल पर उतारी जाएं। और उनको एक आश्वासन देता हूं कि जब जब साकेत बोगड़ा को उनको ज़रूरत पड़ेगी तो साकेत बोगड़ा उनके बीच कंधा से कंधा मिला के चलेगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे साकेत बोगड़ा जो कि कांग्रेस के युवा नेता हैं और उन्होंने खासतौर पर बहुत सारी बातचीत की गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से। कैमरामैन